आदरणीय मुख्यमंत्री योगी जी ने जो कहा है मैं उसका भरपूर समर्थन करती हूँ। देखिए यह आत्मविश्वास का परिचायक है और बड़ी विनम्रता के साथ कहना चाहती हूँ कि हमारे नेतागण युद्ध में लगे हुए हैं और लोगों का रेस्पॉन्स, लोगों की प्रतिक्रिया को देखकर इस तरह का वक्तव्य जारी किया जा रहा है। जैसा कि हम सब जानते हैं आज उत्तर प्रदेश में 57 सीटों पर, 10 जिलों में 57 सीटों पर चुनाव हो रहे हैं और यह छठा पर्याय है। 5 पर्याय हो चुके हैं, 292 सीटों पर चुनाव हो चुके हैं और इन 5 पर्यायों में भारतीय जनता पार्टी का परफॉर्मेंस, का प्रदर्शन बहुत अच्छा रहा है, जैसा कि हम लोगों को लोगों के साथ बातचीत करके ज्ञात हो रहा है। तो इसी के आधार पर हमारे नेताओं ने बड़े विनम्रता के साथ लेकिन आत्मविश्वास के साथ कहा है कि हम इस बार निश्चित तौर पर 300 पार करेंगे और जैसा कि हम सब जानते हैं 7वां पर्याय, अंतिम पर्याय 7 मार्च को होने वाला है, 54 सीटों में चुनाव होंगे। तो मुझे लगता है 403 जो विधानसभा की सीटें उत्तर प्रदेश में है उसमें से हम 300 से ज्यादा सीटों में जीत हासिल करेंगे। हम अगर यूपी के गोरखपुर की बात करें कि वहाँ के सांसद का कहना है कि जो कि 9 सीटें हैं गोरखपुर क्षेत्र में तो वहाँ पे हम सारे के सारे बिल्कुल सही करेंगे, क्या कहते हैं? आत्मविश्वास का परिचायक है, जैसा मैंने कहा मैं पुनरावृत्ति करूंगी, हम लोगों ने काम किया है। 2017 से 2022 के भीतर बहुत काम हुआ है, योगी जी की सरकार ने बहुत अच्छा काम किया है, हम विकास के एजेंडा को लेकर लोगों के पास गए हैं तो हमें पता है कि लोग हमें आशीर्वाद देंगे। अब अगर हम यूक्रेन की बात करें तो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर का कहना है कि हम यूक्रेन के ग्रुप से लगातार संपर्क कर रहे हैं और जितने भी हमारे स्टूडेंट्स हैं उन्हें जल्द से जल्द वापस कंट्री लाने की बात की जा रही है। कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की मीटिंग कुछ दिन पहले आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने की थी और उनका आभिमुख्य बिल्कुल स्पष्ट है। प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता होगी कि हमारे लोग, हमारे बच्चे, हमारे विद्यार्थी बहुत सुरक्षित तरीके से अपने देश लौट आएं। और मैं आप सबको बताना चाहूंगी कि 24 फरवरी युद्ध की शुरुआत हुई लेकिन 24 फरवरी के पहले ही हम लोगों ने 4000 इंडियन नेशनल्स को, भारतीयों को यूक्रेन से हम भारत देश ले आए थे और 48 घंटों में 24 फरवरी युद्ध की शुरुआत हुई और 48 घंटों में करीबन 1400 भारतीयों को हम अपने देश सुरक्षित लाने में सक्षम हुए। और अभी जो हमारा आभिमुख्य है वो बहुत स्पष्ट है, जैसा कि मैंने कहा अभी छात्रों को, विद्यार्थियों को ठीक तरीके से लाना है। और मैं आपको बताना चाहूंगी कि करीबन 60% लोग जो वहां रहते हैं, वहां 19763 भारतीय हैं और इसमें से करीबन 60% लोग भारत आ चुके हैं या भारत आने के लिए बॉर्डर पर पहुंच चुके हैं, तो ये बहुत बड़ी बात है। और जो 40% लोग वो हैं वहां, उनको लाने की दिशा में पूरा कार्य हो रहा है। आप सब जानते हैं 4 मंत्री वहां उपस्थित हैं और आदरणीय प्रधानमंत्री जी दिन में 2 बार इस विषय की मॉनिटरिंग कर रहे हैं और खुद इस युद्ध में और इस युद्ध के फलाफल में बहुत इंटरेस्ट ले रहे हैं, रुचि दिखा रहे हैं और जितने भी पदक्षेप लेने हैं भारत सरकार की तरफ से लिए जा रहे हैं। जम्मू कश्मीर का नया मामला सामने आया जहां की डेप्यूटी कमिश्नर का कहना है कि हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के वाइस चेयरमैन गुलाम अहमद अजी को गैर कानूनी कार्यों में उन्हें गिरफ्तार किया गया है, तो इसे आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए प्रशासन अपना काम कर रही है और प्रशासन बिना सबूत के काम नहीं करती है, तो निश्चित तौर पर प्रशासन के हाथ कुछ सबूत लगे होंगे और मुझे लगता है कि शासन और प्रशासन के कार्यों में हमें दखलंदाजी नहीं करनी चाहिए। मंतव्य देना सही नहीं, आगामी दिनों में क्या होता है हम देखेंगे।